जय हिंद। नमस्कार, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली ये है रेलवे जो TC की वैकेंसी आ रही है उसके बारे में, जो ये वैकेंसी की नई अपडेट दे रहा हूँ मैं। दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, इस वैकेंसी के बारे में पूरा बताऊंगा, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका एग्जाम होगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे पता आप सभी आने वाले जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो ये भी इसमें आप साथ में ऐड करके चलिए तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा और बहुत ही अच्छा जॉब है। इसमें दो प्रकार की जॉब आ रखी है रेलवे में, टिकट कलेक्टर और गुड्स गार्ड की। दोस्तों, ये दोनों प्रकार की जॉब बहुत ही अच्छी जॉब है आपके लिए, तो आप ज़रूर बने रहिए एंड तक। साथ ही बता दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, और उसके बाद में अगर जो CRPF SCM का मैंने वीडियो बनाया था कि नई वैकेंसी उसका क्या क्या क्राइटेरिया, कब से उसके फॉर्म भरे जाएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए दोस्तों, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो एक दिन पहले, दो दिन पहले वीडियो अपलोड किया मैंने, आई बटन में भी है और लास्ट में जाके भी देख सकते हो दोस्तों। तो आपको बता दूं कि इसमें दो प्रकार की पोस्ट हैं, टिकट कलेक्टर और गुड्स गार्ड की। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए दोस्तों। दोस्तों, इसकी जो एज रहने वाली है, इसकी एज रहने वाली है 18 से 30 साल, OBC के लिए 18 से 33 साल और SC ST के लिए 18 से 35 साल, यानी एज का क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा है दोस्तों इसका। उसके बाद में इसमें फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का फिजिकल टेस्ट नहीं होता दोस्तों, किसी भी प्रकार का फिजिकल टेस्ट नहीं होता। तो इसमें साथ में विकलांग जो बच्चे हैं उनको भी छूट मिलती है, या जिनके मेडिकली या शरीर में अगर कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको भी छूट दी गई है विशेष से। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए, आप इसकी तैयारी ज़रूर करिए। अब इसके बाद में इस टोटल इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे अगर हम बात करें तो इसके दोस्तों मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे। सॉरी, अगर इसकी एलिजिबिलिटी और बात कर लें तो 12th पास इसमें आपका होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। इसकी जो पे स्केल है 21,700 पे स्केल है, यानी अच्छी पे स्केल है। जिस प्रकार से ऐसे GD की पे स्केल है उसी प्रकार से इसकी पे स्केल 21,700 है, बहुत ही अच्छी पे स्केल है, कम नहीं है। यानी इसके फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों मार्च से, मार्च में इसकी विज्ञप्ति आएगी, उससे इसके फॉर्म भरे जाएंगे मार्च से अप्रैल तक, और इसका एग्ज़ाम जो संभावित डेट है वो है अगस्त या सितंबर। सबसे पहले इसमें होगा दोस्तों आपका ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद में फिर आपका होगा फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, यानी फिजिकल जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे, या आपके अगर कोई डिसीज है तो आप जो छूट लेना चाहते हो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर जमा होंगे। उसके बाद में फिर आपका उसके रिटर्न आने के बाद में फिर आपकी मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में इसकी फाइनल मेरिट आएगी दोस्तों। तो यानी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अगर आप बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अगर आप तैयारी करें उसमें ऐड कर सकते हो। इसमें कोई खास अलग से कुछ है नहीं, आपको बता गया इसका सब्जेक्ट भी अच्छा है, इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आप जिस प्रकार से आप SC GD की तैयारी कर रहे हैं या कोई पुलिस की तैयारी करें सेम सिलेबस है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप इसकी तैयारी कर दीजिए, इसके फॉर्म मार्च से भरे जाएंगे अप्रैल तक। अब वो डेट फिक्स होनी बाकी है कि उसकी किस डेट को नोटिफिकेशन 100% आएगी वो भी, लेकिन मार्च में 100% इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। आप अपनी तैयारी रखिए, और ये टोटल 4,000 पोस्ट की वैकेंसी, इसमें 3,000 टिकट कलेक्टर और 1,000 गुड्स गार्ड की ये वैकेंसी दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है आपके लिए, बहुत ही शानदार पोस्ट है, इतनी पोस्ट कम नहीं होती, ऑल इंडिया लेवल पर है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो आप इसकी तैयारी आप कर ही रहे हो, इसका एग्ज़ाम भी ज़रूर देना और फॉर्म भर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।